नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। 9 अगस्त 2020 को प्रयागराज में बहुजन सशक्तिकरण संघ की वेबिनार सीरीज द्वारा आयोजित चर्चा में नई शिक्षा नीति पर बात की गई। डॉक्टर जयश्री ने विषय की भूमिका बताते हुए इस नीति के महत्व को समझाया। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुकुमार राजनीति शास्त्र विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर चित्रसेन गौतम द्वारा प्रोफेसर एन सुकुमार का परिचय कराया गया तथा बहुजन सशक्तिकरण संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर सुकुमार ने नई शिक्षा नीति पर बहुजन समाज के दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने शिक्षा नीति की अच्छाइयों और कमियों पर प्रकाश भी डाला। शिक्षा के निजीकरण पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबसे अधिक नुकसान सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को होगा। कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर जयश्री ने नई शिक्षा नीति के सभी मुख्य बिंदुओं को प्रतिभागियों के सम्मुख रखा। कौशल विकास व शिक्षा में इंग्लिश माध्यम भी मुख्य चर्चा के बिंदु रहे। भारत सरकार की शिक्षा नीति का सकारात्मक और नकारात्मक विश्लेषण करते हुए यह एक सफल कार्यक्रम रहा। गूगल मीट के माध्यम से आयोजित किए गए इस वेबिनार में प्रतिभागियों ने चैट बॉक्स के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक द्वारा नई शिक्षा नीति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान भी दिया गया। इस प्रोग्राम में विभिन्न राज्यों के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों व सामाजिक चिंतकों ने भाग लिया। साथ ही फाउंडेशन के शुभम तिवारी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार व बेटियां एनजीओ की सुश्री कनिका जौरी ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारे साथ वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ आज हमारे की स्पीकर डॉक्टर सुकुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर बीपी अशोक साहब, डॉक्टर चित्रसेन जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। 10 बज चुके हैं, हमारा समय शुरू हो गया है वेबिनार का, लेकिन बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं, तो हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। इस बीच में मैं आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति 2020। लगातार न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर इस बारे में बात की जा रही है कि सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान देने की बात करती थी, तो उसमें बदलाव की बात की जा रही है हमारी नई शिक्षा नीति में, कि जो नए तरीके से जो नया सिलेबस आएगा या जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसमें किस तरीके से चीज़ों में बदलाव आएगा और हम अपने तकनीकी कौशल को और ज़्यादा निखार पाएंगे। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुकुमार सर जुड़े हुए हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है साथियों, जो कि हमें एक ऐसा हमें समझ हमारे अंदर पैदा करता है, जिससे कि हम सभ्य समाज की रचना कर पाते हैं। शिक्षा हमें विभिन्न तरह के कौशल प्रदान करता है ताकि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम कर पाए और लोगों की सहायता कर पाए, अपना एक स्वर्णिम भविष्य बना पाए। डॉक्टर चित्रसेन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर चित्रसेन, आप अपना माइक ऑन कीजिए और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे मेन स्पीकर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, आप उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। सर, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से और एक बिल्कुल नया सोचने का तरीका हमें दिया इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऐसे उठाए जो कि वाकई बहुजन समाज से
बहुत ज़्यादा संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में वो उस पर प्रभाव डालेंगे। ड्रॉप आउट्स का आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, जो कि हम जो एक ले मैन है, जो एक साधारण आदमी है, शायद वो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका समझने का एकमात्र साधन सोशल मीडिया और मीडिया है, जिसमें कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर हर चीज़ को इसकी पॉजिटिव साइड को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे परेशानी का कारण बन सकता है। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस